5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आ गए। हिमाचल प्रदेश में जहां केजरीवाल की पार्टी घिरी हुई है, वहीं हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव खत्म होते ही राज्य में आम आदमी पार्टी बिखर गई। केजरीवाल की पार्टी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, वहीं अब इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कर्नल कोठियाल आपकी ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा थे, लेकिन राज्य में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के अंदर साइडलाइन होने से वो काफी नाराज चल रहे थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दीपक बारी को सौंपने के बाद से आप में रार शुरू हो गई थी और इसी वजह से उन्होंने पार्टी के सभी पदों से अपना नाता तोड़ लिया है। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने प्रदेश यूनिट को भंग कर दिया था और काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले दीपक बाली को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। इसके बाद से उत्तराखंड में आप दोपाड़ हो गई थी और अब पार्टी के नेताओं ने बाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाया था। सीएम केजरीवाल के मुफ्त बिजली योजना सहित कई चुनावी वादों के बावजूद भी आप चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी और बीजेपी की दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन गई। उत्तराखंड के अलावा केजरीवाल की पार्टी की 4 राज्यों में जमानत जब्त हो गई। सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो सकी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।